ervah-ı ezelde ruhumuzu düğümlere dökmek düşmüş bizim payımıza. Bu diyarın kadınları motiflerle söyler sözünü. Yasını düğümlere, renklere döker. Meşakkatlidir halı dokumak. Düğüm düğüm, sabır sabır, emekle, alın teriyle, kanla yazılan bir hikayedir bu. Burası Antakya. Güzel insanların, atların, türkülerin diyarı. Yetim ve öksüz bırakılmışız. Fransız mezalimini boynumuza bir ilmek gibi geçirmişler. Lakin biliyoruz bu topraklar özüne dönecek. Yeniden Türk yurdu olacak. Ahdımız var. Bir gün biri gelecek. Zülfikarı Salim'in boynuna dayayacak. O gün yeniden bu şehrin göklerinde al bayrak dalgalanacak. उसने सही कहा था, ये वाकई काम कर रहा है। जी हाँ मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा, इस मरहम ने वाकई काम किया। इफ़नान, तुम जरा गाड़ी से उतरो। मैंने आपको अलविदा नहीं कहा था। तुम भागती हो या आ रही हो? हाँ, मैं पहाड़ों से भागती भागती आई हूँ। मुझे डर था कि कहीं आप इतनी देर में चली ना जाएं, इसलिए अलविदा कहने आ गई। और मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ, ये देखिए। देखो, ये ठीक हो रहा है। अरे वाह, ये तो ठीक हो रहा है, मैंने आपसे कहा था ना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया इफ़नान, हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अरे नहीं शहजादी साहिबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छी बात यह है कि आप खुश हैं। प्लीज हमें बताओ, क्या तुम्हें जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए। तो बोलो। मेरा सिर्फ एक ख्वाब है। साहब आ गए, अजीज साहब आ गए। तुम लोगों ने सुनी लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, मैं शहजादी को यहां नहीं लेकर आ सका। अब क्या होगा अजीज साहब, हमने अपनी सारी जमा पूंजी दे दी, अब क्या होगा जब ये कारखाना खत्म हो जाएगा?
अगर शहजादी हमसे एक कालीन भी खरीद लेती तो हमारे दिन बदल जाते, पूरा शहर हमसे खरीदारी करता। चलो, हमें सुस्त नहीं होना है, सब अपने काम पे लग जाओ, चलो जल्दी। चलो चलो, सब अपने अपने काम पे लग जाओ। नानी, परेशान मत हो, तुम वाजिबात अदा करने का कोई रास्ता ढूंढ लोगे हमेशा की तरह। मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। सबर करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मेरी भी यही दुआ है कि सब कुछ ठीक हो जाए, और तुम देखना बहुत जल्द ये परेशानी खत्म हो जाएगी। इन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया था, लेकिन मैं एक भी घाक नहीं ला पाया। शायद अनकर अब हमारी मदद नहीं करेगा, नहीं हो सकता। तुम एक दिन इस कारखाने को बहुत बड़ा बना दोगे, देखना जुल्फिकार कारखाना एक दिन अंताकिया का सबसे बड़ा कारखाना होगा। हम किसी के कर्जदार भी नहीं रहेंगे, और तुम देखना इस काम के अच्छे कारीगर हमारे पास काम करने के ख्वाहिशमंद होंगे। आप अब भी यकीन करती हैं मेरी बात पर? क्यों नहीं करूं मैं यकीन, एक दिन आप भी भरोसा करना छोड़ देंगी इफ़नान की तरह। शायद मेरी कड़वी बातों की वजह से आप यहां से दूर चली जाएं। एक दिन आप भी कहेंगी कि बहुत हो गया। तुमने अपनी खोई हुई चीजों को वापस लाने के लिए ये रास्ता चुना। अगर तुम इस रास्ते पर उन लोगों को खो दोगे जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, तो मेरा भी भरोसा खत्म। नानी, क्या आपको लगता है कि मैं लोगों को समझा नहीं सकता? तुम सीखोगे बेटा, तुम उम्मीद मत छोड़ना। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल देखी, लेकिन तुम सब कुछ बदल सकते हो। ऐसे बदलाव के लिए मुझे एक मौजज़े की जरूरत है नानी। प्रिंसेस, प्रिंसेस फिफ्जी आई है। कैसे हैं सब? तुम मौजज़े का पूछ रहे थे ना? वेलकम प्रिंसेस, हमें खुशी हुई कि आप यहाँ आई। प्रिंसेस, मैं खुश हूँ कि आपने फैसला बदल लिया। आपने कहा था कि मैं नहीं जानता लोगों को अहमियत कैसे देनी है। हमने इरादा नहीं बदला, लेकिन आप यहाँ हैं। हम यहाँ सिर्फ एक लड़की के कहने पर आए हैं, और उसका नाम है इफ़नान। मुझे बहुत अफसोस है कि आपने हमारी बातें सुन ली प्रिंसेस, लेकिन ये एक लंबी कहानी है। तो आप बताइए, आपने हमें यहाँ एक कहानी सुनाने के लिए बुलाया था, है ना? बहुत खूबसूरत है ये। ये किस तरह बात करते हैं? ये कालीन एक बुलबुल और गुलाब की कहानी सुना रहा है प्रिंसेस। एक दिन एक टूटे हुए परों वाली खूबसूरत सी बुलबुल एक सफेद गुलाब के
नीचे आके गिर जाती है। उसने गुलाब के करीब आके गुलाब के पत्तों पर अपना सर रखा। गुलाब ने इसे महफूज रखा। बुलबुल का छोटा सा दिल गुलाब के लिए धड़कने लगा और फिर उसने गुलाब के पत्तों में शिफा पाई और उसके पत्तों के नीचे आराम किया। लेकिन गुलाब में गुरूर था। वो अपना दिल बुलबुल को नहीं दे सकता था। गुलाब को पता था कि बुलबुल जज्बाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता था, बस खामोश रहता था। लेकिन बुलबुल गुलाब के करीब आती जा रही थी। एक दिन बुलबुल बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुलाब को गले लगा लिया। गुलाब के कांटे ने बुलबुल का हाथ काट दिया और जमीन पर एक कतरा खून गिर गया। वो खून गुलाबी रंगत में बदल गया। अब और खूबसूरत गुलाब ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया है और गुलाब खुद को पसंद करने लगा, बेइंतहा पसंद करने लगा। गुलाब खुश हुआ और बुलबुल उसे और ज्यादा गले लगाने लगी। हर गले मिलने का, हर गले का एक कतरा खून था। वो कतरे गुलाब के लिए पानी की तरह थे। उसका रंग बहुत खूबसूरत था। उस पूरे बाग में उस गुलाब जैसा खूबसूरत कोई फूल नहीं था। बुलबुल ने अपनी जिंदगी से, अपने खून से बड़े प्यार से उस फूल को खिलाया। जब उस फूल की रंगत सफेद से लाल हो गई तो उसी वक्त बुलबुल दरख्त से नीचे गिरी और फिर मर गई। ये बुलबुल की कहानी थी। गुलाब इतना खुदगर्ज था कि वो बुलबुल की मोहब्बत की कदर ना कर सका। ये कालीन कुर्बानी, खुशी, दोस्ती, शुक्रिया और उस बुलबुल की कहानी है प्रिंसेस। ये कालीन खरीदेंगे। ये कालीन आप हमारे महल में भिजवा दीजिए। जैसे ही कालीन मुकम्मल हो जाए फौरन भिजवा दें। जी बिल्कुल प्रिंसेस, जैसा आप चाहें। मुस्तफा देखिए कितने सारे पैसे। लेकिन हमारी एक शर्त होगी, कालीन बुलबुल अपने हाथों से बनाएगी, यानी इफ़नान। क्या आपको मंजूर है? क्या आप इफ़नान को यहाँ वापस लाएंगे? क्योंकि जब हमने उसे आखिरी बार देखा वो शहर से जा रही थी।
आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि इफ़नान चली गई है प्रिंसेस, वो कालीन बनने के लिए वापस नहीं आ सकती। नहीं मिस्टर अजीज, ऐसा नहीं है, मैंने देखा है। मुझे नहीं लगता कि आप उसे कभी जाने देंगे। असल में कुछ चीजें जिंदगी में सिर्फ एक बार होती हैं। इफ़नान इस शहर से कब की जा चुकी होगी? शायद मैं जानती हूँ वो कहाँ है। अगर हमने जल्दी नहीं की तो आप बुलबुल को खो देंगे और हम जहाज को। प्लीज आइए प्रिंसेस। अजीज मेरी बात सुनो प्लीज। बाद में, हमारा अभी बात करना बहुत जरूरी है। ये भी जरूरी है मकसूदे, बाद में बात करते हैं। हम दोस्त हैं, आप बता सकती हैं मुझे। शुक्रिया डेलीगेट साहब, मगर मेरे और अजीज के दरमियान कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात एक बार फिर समझ गई हूँ मैं। आपका शुक्रिया, मैंने बहुत खूबसूरत जोड़ा पहना, केक भी खाया, आपके घर में मेहमान बनकर रही। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं चलती हूँ। अब शायद हम दोबारा न मिल सके। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। फ्रैंकोस। जी सर। तुम पोर्ट जाओ, इफ़नान वहां पर है, उसे किसी भी तरह ढूंढो और यह खत याद से उसे दे देना। जैसा आपका हुक्म। रुको बात सुनो। जी सर। इफ़नान से कहना कि इस खत में कुछ ऐसा है जो अजीज की जिंदगी बदल सकता है, इसलिए उसका इस टाउन में वापस आना बहुत जरूरी है। जरूरत पड़े तो जोर देना, मैं चाहता हूं कि वो हर हाल में वापस आए। जनाब माफ कीजिएगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। उस लड़की में आप इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो तो बस एक आम लड़की है। वो एक आम सी लड़की नहीं है, और तुम उन मामलात में दखल मत दो जिनसे तुम्हारा ताल्लुक नहीं। समझ गए? जी समझ गया। तो अब जाओ यहां से, और जैसा मैंने कहा है वैसा करो। जैसा आपका हुक्म जनाब। तुम मुझे बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। मैं चाहती हूँ कि आप अजीज के कालीन खरीद लीजिए। लेकिन शहजादी, अगर आपके लिए कालीन खरीदना मुश्किल है तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। सच कह रही हूँ मैं। तुम अपने लिए कुछ नहीं चाहती, जैसे कि अच्छी जिंदगी, अच्छा घर, अच्छे कपड़े? नहीं, मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए शहजादी। फिर मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, उससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। मेरी बात सुनिए, आप कारखाने जाइए और वहाँ से जाकर कालीन खरीद लीजिए। क्यों? आपके दिए हुए पैसे सिर्फ एक दफा मदद करेंगे, लेकिन अगर आप कालीन खरीदेंगी तो इससे अजीज के कारोबार में फर्क पड़ेगा। अगर आप वहां से कालीन खरीदेंगी ना, तो फिर सब लोग वहां से खरीदेंगे। समझ रही हैं आप? अजीज कामयाब हो जाएगा, यही मेरा ख्वाब है। क्या तुम उससे मोहब्बत करती हो? हाँ मोहब्बत तो करती हूँ, लेकिन इससे वो लोग भी कामयाब होंगे जिन्होंने अजीज पर भरोसा करके उसके साथ काम शुरू किया था। उन्हें जालिमों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हैं तो मैं यही चाहती हूँ, लेकिन अगर आप वहाँ से कालीन खरीदें। क्या वहाँ पर मेरे लायक कोई कालीन है? जी जी है वहाँ, लेकिन मैं उसे मुकम्मल नहीं कर पाई।
मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। सच बताइए शहजादी, क्या आप वहां जाएंगी? सच में कालीन खरीदेंगी? हाँ, लेकिन पहले उसके लिए मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। बिल्कुल इंतजार करूंगी, मैं ना वहाँ खड़ी हो जाऊंगी, वहाँ इंतजार करूंगी आपका। उसके बाद अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मिस्र चल सकती हो। क्या तुम मिस्र जाना पसंद करोगी? मैं? मुझे मिस्र लेकर जाएंगी? मैं ऐसे मुल्क में जाकर क्या करूंगी जहाँ मुझे कुछ मालूम ही नहीं होगा। शहजादी, तुम बस मेरे साथ रहना और मेरे कामों में मेरी मदद करना। चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो, तुम जब तक सोच लो मैं वापस आती हूँ। मैं पता नहीं अभी यहाँ पर क्यों रुकी हुई हूँ। मकसूदे के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो मुझे तजस्सुस में डालकर चली गई। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है हम लोग। कौन आया है? जमील और अजीम है नानी। अजीमी तुम जी कैसी हैं आप? खुशी हुई तुम लोग आए। नानी शुक्रिया। कैसी हैं? ठीक हूँ। ठीक हो तुम? खुशामदीद। क्या अजीज साहब से मिलना है? अजीज साहब ने कहा यहाँ एक जश्न है तो हमने सोचा चलते हैं, कुछ अच्छा खाने को मतलब मिलेगा। हमने सुना है यहाँ प्रिंसेस आने वाली हैं, उन्हीं से मिलने आए थे। क्या हम भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं? लेकिन अब देर से आए हैं, प्रिंसेस जा चुकी हैं। ओहो, बहुत उम्मीद लेकर आए थे कि उनसे मुलाकात होगी। क्या आप लोगों ने कुछ कालीन बेचे हैं? उससे पैसे तो कमाए होंगे? नहीं, प्रिंसेस ने एक शर्त रखी है, इफ़नान जो कालीन बुन रही थी उसे पूरा करेगी, उससे खरीदेंगे फिर। ओह, इफ़नान यहाँ पे नहीं है तो फिर कहाँ है वो? फिक्र मत करें, अजीज साहब उसे ढूंढने के लिए गए हैं, उसे वापस लेकर ही आएंगे। बहुत खुशी हुई ये सुनकर, मुझे इसी चीज की उम्मीद थी। खाना बचा हुआ है, अगर आप कहें तो मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। नहीं, मुझे भूख नहीं। हाँ, अगर ये थोड़ा सा खाएगा तो मैं भी खा लूंगी। हाँ, चख लूंगा। चलो जाओ खाओ पियो। तुमने ऐसा क्यों कहा? वो समझ जाते कि हम खाने के लिए आए हैं। खाना तो देखो कितना जबरदस्त है, क्यों ना हम यहाँ नौकरी कर लें। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते तो हो अजीज साहब के पहले ही घर पर इतने काम होते हैं, अब यहाँ भी काम करें क्या? हाँ सही कह रही हो तुम। बाबा। बेटा। अलीश, क्या हुआ बेटा? बाबा, उन लोगों ने भाइयों को मारा है। ये तुम क्या कह रहे हैं? बाबा आप जल्दी चलिए। चलो आ जाओ। वैली, चलो चल कर देखते हैं। क्या हो गया? अब ये हमारे बच्चों को मारेंगे। जाओ तुम भी जाओ, ये मुझे दो। जाओ उन लोगों की मदद करो। तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम चली जाओ। मुझे पता है अगर मैं चला गया तुम ये अकेले ही खा जाओगी। ज्यादा बकवास मत करो, जो कह रही हूँ वो सुनो। अजीज इस मामले का कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। मिस्टर गालिब, सच तो यह है कि वो आपके पास आया और आपसे उन डॉक्यूमेंट्स का पूछा जैसे उसे शक हुआ हो। मुझे नहीं याद कि मैंने आपसे ऐसा कुछ कहा मिस्टर पीएम। मैं सब जानता हूं मिस्टर गालिब, अगर आप मुझे ना भी बताएं तो मेरे अपने भी सोर्सेस हैं, समझ रहे हैं ना आप। अजीज को कुछ नहीं मालूम होगा, नामुमकिन, उसको उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं मिलेगा। और वो खत? आजम ने वो खत जला दिया। अजीज को सच का कभी पता नहीं चलेगा। आपको यकीन है? आप परेशान मत हो, हर चीज मेरे कंट्रोल में है। हाँ, मैंने एक चांस लिया, मैंने सब वही किया जो आपने कहा। फिर भी मेरा आपको मशवरा है कि आप होशियार रहिए मिस्टर गालिब, अगर अजीज इस बात की गहराई में जाता है तो
उसे अपने बाप की मौत पे शक हो सकता है। ठीक है, मैं समझ गया। शायद आपको कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि उसके बाप ने खुदकुशी नहीं की थी। मैंने सही कहा ना मिस्टर गालिब? बोलिए। मैं रुक जाऊं, चली जाऊं, रुक जाऊं, रुक जाऊं, चली जाऊं, रुक जाऊं, चली जाऊं, रुक जाऊं, चली जाऊं, रुक जाऊं, चली जाऊं, रुक जाऊं। मुझे पता है क्या करना है, चली जाऊंगी। लग रहा है कि शहजादी की गाड़ी वापस आ रही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सुना तुम मिस्र जा रही हो, शहजादी ने बताया। जा रही हूं। क्या करोगी तुम वहां जाके? कैसे जिंदगी गुजारोगी वहां पर अकेले? जमीन अलग है, पानी अलग है, पूरा मुल्क अलग है। पता ही नहीं रह सकती। और वहां तुम्हारे पास अजीज भी नहीं होगा जो तुम्हें डांट सके। ठीक कहा। ना ही अजीम है, ना ही जमीन, नानी भी नहीं होंगी। अभी और भी बहुत कुछ है करने के लिए। कभी हम लड़ेंगे, कभी एक टेबल पे साथ बैठेंगे, कभी कालीन बेचेंगे, लेकिन तुम यहां पर नहीं होगी। तुम यही रहो जहां से तुम्हारी पहचान है। मत जाओ। तुम रुकोगी यहां? अब आप इतना कह रहे हैं तो रुकी जाती हूं मैं। तुम्हारे फैसले ने हमें बहुत खुश किया इफ़नान। हम अजीज से कालीन खरीदेंगे, तुम्हारा बनाया हुआ। क्या आप सच कह रही हैं शहजादी? लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी है। वो कालीन हम तब खरीदेंगे जब तुम उसे बनाओगी। आप मुझे कालीन मुकम्मल करने के लिए लेने आए हैं, वरना आप नहीं आते, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर किस लिए बताइए मुझे? और भी चीजें हैं करने के लिए। कारखाना है यहाँ, घर है यहाँ पे, तुम्हारे बगैर ये नहीं हो सकता। और कुछ? और कुछ भी नहीं। शहजादी, मैं आज ही आपके साथ मिस्र के लिए जा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? मुझे इसी तरह छोड़ के चली जाओगी? मैं अपना दिल अब मजीद नहीं तोड़ सकती, समझे आप? इफ़नान, हमारा जहाज इंतजार कर रहा है। तो तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाओगी, है ना? आप मेरे बगैर रह सकते हैं अजीज साहब। जाओ, जाना चाहती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या किया मैंने? इफ़नान, 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 इफ़नान,
बेटा मेरी जान, बाबा के पास आओ, यहाँ आओ। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। शुक्र है, तुम ठीक तो हो ना बेटा? किसने मारा है तुम्हें? हाँ, किसने किया तुम्हारा ये हाल? बाबा हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस बाहर खेल रहे थे, फिर तीन लोग आए और हमें मारने लगे। ये सब तो बढ़ता जा रहा है, आखिर उन्हें इन बच्चों के साथ ऐसा करके क्या मिलेगा? बेटा उन्होंने तुम लोगों को क्यों मारा? बिला वजह तो कोई इस तरह बच्चों को नहीं मारता ना। हाँ बाबा, जब वो हमें मार रहे थे तो मारने की वजह भी बता रहे थे हमें। क्या कहा उन्होंने? बताओ मुझे क्या कहा उन्होंने? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, सजा दिलाऊंगा। उनमें से एक ने कहा, वालिद साहब ने सलाम भेजा है, उन्होंने कहा कि ये सब तुम्हारे साथ तुम्हारे बाबा की वजह से हो रहा है। बाबा रुको। बाबा मुस्तफा, तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे बच्चों के जरिए मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं, बात करूंगा जाके। रुको मुस्तफा। बाबा, क्या तुम वाली पायदान के खिलाफ जाओगे? क्या कर लेगा वो, बस जान से ही मार सकता है ना मुझे। बाबा। मुस्तफा हट जाओ मेरे रास्ते से, छोड़ो मुझे। चलो वेली। बाबा कितना खाओगे, बस भी करो, कब से खाए जा रहे हो? मैंने कब खाया इतना, अपने आप को देखो जरा, भैंस लग रही हो। कहाँ से भैंस लग रही हूँ तुम्हें, बस थोड़ी तो मोटी हूँ, अब इतनी भी नहीं हूँ कि तुम मुझे भैंस कहो, लेकिन मैं तुमसे कम खाती हूँ, तुम्हारी तरह ठूसती नहीं रहती। ठीक है खा लिया हमने, अब घर चलते हैं। तुम्हें थोड़ा और खाना है तो खा लो। अच्छा छोड़ो, तुम घर जाओ, मैं इफ्नान का यहाँ इंतजार करूंगी। अजीज साहब आ गए। अजीज साहब आ गए आप, इफ्नान नहीं आई आपके साथ? इफ्नान चली गई, वो वापस नहीं आएगी। लेकिन आपने कहा था आप उन्हें लाएंगे अजीज साहब। उसके बगैर कालीन नहीं बना सकते। मैं कोई हल निकाल लूंगा, आप लोग फिक्र मत करें, जाइए अपना काम कीजिए। अजीज साहब बहुत जिद्दी हैं, ना तो खुद हंसते हैं ना ही उस लड़की के चेहरे पे हंसी आने देते हैं। हाँ जब से इफ्नान गई है सब उलट पुलट हो गया, बगीचा भी जंगल की तरह लग रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पूरा का पूरा घर अजीब हो गया है जब से इफ्नान गई है। नानी जान कहाँ गई है इफ्नान? वो शहजादी के साथ मिस्र चली गई, अब वो वहीं पर रहेगी। तुमने उसे रोका क्यों नहीं, क्यों जाने दिया उसे? मैं नहीं रोक सका, जब तक मैं उसके पास पहुंचता वो यहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी। तो तुमने उसे यूं ही जाने दिया? नानी तो क्या करता मैं, क्या जबरदस्ती उसे यहाँ रोकता मैं? बोलते तो सही कि रुक जाओ। रोका मैंने, कहा उसे कि तुम्हारी जरूरत है, बहुत से काम तुम्हारे साथ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। इफ्नान ऐसा नहीं करेगी, अगर तुमने उसे सच बताया होता तो वो रुकती। कैसा सच नानी? वो सच जो यहाँ दर्द देता है, वो जो तुम्हें बहुत उदास कर देता है। नानी मैंने कभी इफ्नान के साथ गलत बर्ताव नहीं किया, मैंने अपने दर्द को अकेला ही सहा, मैं उसी दर्द में था कि इफ्नान नाराज हो गई। जिद मत करो बेटा, बाकी सब लोग कहाँ हैं? मुस्तफा कहाँ है? हाँ वो मुस्तफा के बेटे के साथ कुछ हुआ है बेटा, जरा तुम जाकर देखो क्या हुआ है उसके साथ। मुस्तफा रुक जा, तुम क्या करना चाहते हो? मुस्तफा रुको, रुको मुस्तफा, रुको, छोड़ो, हटो। मुस्तफा कहाँ गया है? उस तरफ गया है अजीज साहब।
ये तुम्हारे लिए है। जब मैंने इन छोटी छोटी बुलबुलों को देखा तो मुझे तुम्हारी याद आई। ये सफेद वाला बिल्कुल तुम्हारी तरह है, साफ, प्यारा, खूबसूरत। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पहले सफेद गुलाब दिए और अब परिंदे, ये सब करके क्या तुम अजीज की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो? दिलरुबा, मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दोबारा से तुम्हारी अटेंशन लेना चाहता हूँ। तो तुम्हें मिल गई है क्या अटेंशन दोबारा? मुझे तो नहीं लगता। दिलरुबा, अगर ये सब बेकार है तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, बताओ मुझे दिलरुबा। आजम, ईमानदार बन जाओ। अगर चाहते हो कि मैं खुश रहूं तो ईमानदारी दिखाओ, बस इतना ही काफी है। मकसूदे, क्या हुआ? चलो मेरे साथ, फिर मैं तुम्हें सब बताती हूँ। दरवाजा बंद करो। ये लेटर किसने लिखा है? दिलरुबा, जवाब दो, किसने लिखा है ये? मैंने लिखा है। तुमने क्यों किया ऐसा? और ये झूठ भी तो हो सकता है। काश ऐसा होता मकसूदे। आजम ने मुझे शादी वाली सुबह ही सब कुछ बताया था। तुम्हारे बाबा अजीज की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हैं। आजम इस बात का गवाह है। मेरे बाबा ने ऐसा नहीं किया। वो अजीज के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और अगर ये सच है तो ये बहुत बुरा किया उन्होंने। आजम, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो कुछ बोलो। आजम इस वक्त कुछ भी कहने के काबिल ही नहीं है। बल्कि आजम ने तो मुझे भी चुप रहने का कहा था कि किसी को भी ये राज नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी नाइंसाफी जानने के बाद मैं चुप नहीं रह सकती थी मकसूदे। यहां तक के आजम ने मुझे घर पर बंद कर दिया ताकि मैं बाहर न जाऊं और किसी से बात न कर सकूं, ताकि ये राज दफन ही रहे हमेशा। क्या ये सच कह रही है आजम? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आजम? दिलरुबा, आखिर तुम कब से ऐसी हो गई? मुझसे, अपने शौहर से तुम कैसे इस तरह की तौहीन आमेज बातें अपने शौहर के साथ कर सकती हो? बोलो दिलरुबा। ये क्या कह रहे हो? इतना बड़ा इल्जाम तुम कैसे लगा सकती हो हमारी फैमिली पर? आजम, तुम अजीज के साथ भाग जाना चाहती थी, उससे शादी के लिए तुमने मुझ पर गोली चलाई और तुमने पीछे मुड़के तक नहीं देखा और चली गई वहां से। लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी मैंने तुमसे शादी की। और तुम किस तरह से मेरे बाप पर, मेरे पायदार खानदान पर इतना बेहुदा इल्जाम लगा रही हो? तुमने मुझे गोली मारी, इसके बाद भी मैंने तुम्हारा ही सोचा दिलरुबा। आजम, दिलरुबा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन हर बार तुमने दिलरुबा वो हरकत की है जिससे सिर्फ और सिर्फ मेरी बदनामी हुई है। और तुम जानती भी हो कि आज तुमने कितना बड़ा इल्जाम लगाया हम पर। ये एक बहुत बड़ी बदनामी है। तुम मेरे बाबा को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, हम सबको अजीज की नजरों में रुस्वा कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए? खामोश हो जाओ, झूठ बोल रहा है ये। तुम ये सब कैसे कर सकती हो? क्या तुम फैमिली में एक दूसरे को लड़वाना चाहती हो? ये सच नहीं कह रहा। क्या झूठ बोल रहा है? हाँ, सोचो, अगर मैं ये खत अजीज को दे देती तो वो बाबा से लड़ने आ जाता, और तुम्हारे इस खत की वजह से वो मेरे बाबा का दुश्मन हो जाता। जरा सोचो तुम दिलरुबा। इस खत में जो लिखा है बिल्कुल सही है। अगर अजीज इस सब पर यकीन कर लेता तो क्या होता दिलरुबा? मैं सच लिखा है मकसूदे। चुप हो जाओ दिलरुबा, चुप हो जाओ। वालिद साहब, मुस्तफा, रुको मुस्तफा, रुको मुस्तफा, रुक जाओ, रुको मुस्तफा, रुको, हट जाओ, छोड़ो मुझे, हटो पीछे, हटो। मुस्तफा,
साहब बाहर आए। मुस्तफा क्या हुआ है बताओ मुझे। क्या हुआ है ये अपने बाप से पूछो। मुस्तफा मेरे बच्चों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। मुस्तफा हम तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों करेंगे। ये अपने बाप से पूछे जाके। कहाँ है वो। मेरे बाबा अभी घर पर नहीं है। तुम मुझे बताओ क्या हुआ है क्या मसला है। मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का। हाँ बताएं क्या किया है मैंने। हाँ मेरे बच्चों को क्यों मारा आखिर। बस करो मुस्तफा। याल्ला हम सबकी हिफाजत करना। बहुत हो गया और अब तुम मेरी बहन से दूर रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मकसूदे पे निगाह डालो। तुम होते कौन हो। हाँ चलाओ गोली। मुस्तफा मारो मुझे मारो।